सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजस्थान के इस गांव में जलाई जाती है नारियलों की होली। आदिवासी मानते हैं होलिका को बेटी। यूं तो पूरे भारत में रंगों के त्योहार होली को बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। होली के इस पारंपरिक त्योहार का खुबार बाजारों से लेकर लोगों पर अभी से सिर चढ़कर बोलने लगा है। बरसाने की लठमार होली से लेकर जयपुर की फूलों की होली तक देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरीकों से होली मनाई जाती है। ऐसा ही एक अलग अंदाज राजस्थान के सलूम्बर जिले में भी दिखाई पड़ता है। सलूम्बर जिले के सिमारी में करकेला धाम की नारियल वाली होली लोगों को लंबे समय से आकर्षित करती रही है। करकेला धाम में नारियल से होली खेलने की परंपरा है। यहाँ बरसाने की लठमार होली की तरह नारियल को एक दूसरे पर मारकर होली नहीं खेली जाती, बल्कि करकेला धाम में लोग होलिका को नारियल भेंट कर होली मनाते हैं। आपको बता दें, आदिवासियों का धार्मिक स्थान है करकेला धाम। सलूम्बर की सिमारी कस्बे की धनकवाड़ा ग्राम पंचायत से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करकेला धाम को आदिवासियों का पवित्र धार्मिक स्थान माना जाता है। स्थानीय आदिवासियों की मान्यताओं के अनुसार होलिका को अपनी बेटी के तौर पर देखा जाता है। आदिवासी मानते हैं कि होलिका उनकी बेटी थी। करकेला धाम एक पहाड़ी पर स्थित है। आदिवासियों के धार्मिक स्थान करकेला धाम में सबसे पहले होली जलाई जाती है। आपको बता दें, धाम के पहाड़ी पर होने की वजह से दूर से ही होलिका दहन दिख जाता है, जिसके बाद ही आसपास के इलाकों में होली जलाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले करकेला धाम में ही होली जलनी चाहिए। यहाँ होलिका दहन के बाद उठने वाली आग की लपटें देख लोग होली जलाने की तैयारी करते हैं। होलिका को दी जाती है नारियल की भेंट। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि आदिवासी लोगों की मान्यता है कि पहाड़ पर स्थित करकेला धाम के पास ही होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी थी। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए ही लीला रची थी, जिसके चलते आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। आदिवासियों का मानना है कि होलिका इसी इलाके की रहने वाली थी, इसी वजह से आदिवासियों के बीच होलिका को विदाई देने के लिए नारियल यानी श्रीफल भेंट किए जाते हैं। करकेला धाम में होलिका के साथ ही यहाँ नारियलों की होली जलाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति होलिका को नारियल भेंट कर कोई मन्नत मांगता है तो वो जरूर पूरी होती है। करकेला धाम में धुनी लगातार चलती रहती है।